वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री करुणामयी मात की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वेद भगवान की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पावन पर्व गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि के साथ ही प्रसन्नता जुड़ी हुई है। आनंद पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्णता पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जो रास रचाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रमण करके गोपियाँ जो पूर्णता का अनुभव करती है, वो रास शरद पूर्णिमा का है। तो पूर्णिमा का मतलब पूर्णता, पूर्णिमा का मतलब प्रसन्नता, पूर्णिमा का मतलब आह्लाद आनंद, पूर्णिमा का मतलब शीतलता। पूनम के चांद को देखकर समंदर भी उमड़ता है। पूर्णिमा का चांद पोषक है, दिन में सूर्य के प्रकाश में वनस्पति पेड़ पौधे विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उन वनस्पतियों में पेड़ पौधों में जीवनदायिनी रोगहारिणी जो शक्ति आती है वो चंद्रमा की कृपा से आती है। तो सर्व औषधियों का राजा है, नक्षत्रों का राजा है, और यह चंद्रमा भगवान की विभूति है। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा के नाम को श्री कृष्ण ने अपने नाम के साथ जोड़ा है, कृष्णचंद्र।
हमारे यहाँ पुराने ज़माने में नाम के साथ भी चंद्र जोड़ते थे, कुमार जोड़ते थे, आज भी जोड़ते हैं वो तो, किशोर चंद्र। मुझे भी लोग कहते हैं रमेश चंद्र। बालचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र कहते हैं, कृष्णचंद्र। इसका मतलब है चंद्रमा की तरह शीतल, आह्लादक, प्रसन्न रहो। तो वैसे क्षय को प्राप्त होने वाला चंद्रमा फिर शुक्ल प्रतिपदा से आगे वाली जो यात्रा होती है, तो अमावस को जो नहीं दिखता था वो दिखने की ओर आगे बढ़ता है, और द्वितीया के दिन एक हल्की सी लकीर आसमान में नजर आती है, दूज का चांद है। और फिर कलाओं में वृद्धि होते 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 पूर्णिमा तक बात पहुंचती है। वैसे हमारे यहाँ चौदहवीं के चांद की भी बड़ी महिमा है ना, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। तो उसमें पूर्णिमा के चांद की बात नहीं, चौदहवीं के चांद की बात। भाव शायद ये हो सकता है कि अभी और बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। तो हमें यह देखना है कि पूर्णिमा का मतलब है पूर्णता। पूर्णता को प्राप्त हो गया फिर तो ना घटना है ना बढ़ना है। पूर्ण है परमात्मा, उसको प्राप्त किए बगैर पूर्णता को हम प्राप्त नहीं हो सकते। पूर्णता की प्राप्ति का मतलब ही है परमात्मा की प्राप्ति। भैया जिस समंदर से बादल बने और बादलों ने यात्रा करी और हिमालय पे बरसे और फिर झरनों और नदियों का रूप लिया और कईयों की प्यासों को बुझाते, लोगों के खेतों को सींचते, वह नदी वाला पानी फिर समंदर में जाकर के मिलता है तो पूर्णता को प्राप्त होता। जीव भी भगवान का ही अंश है। देखो यात्रा तो इसी तरह चलती है, समंदर से अलग हुआ, बादल बना, फिर बरसा, फिर झरना, नदी, दरिया और फिर समंदर। बस इस प्रकार श्री हरि की लीला चलती रहती है। परमात्मा श्री हरि से ही अनंत 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 जीव प्रकट होते रहते हैं और वे फिर अपने कर्मानुसार यात्रा करते 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 भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते करते न जाने कितने शरीरों को कितनी योनियों में वे धारण करते 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 फिर सद्गुरु की कृपा से परमात्मा श्री हरि में विलीन हो जाता है। देखो भाई, वैसे देखा जाए तो प्रत्येक यात्रा परमात्मा की ओर ही है,
जैसे नदी जहाँ से भी निकले उसकी यात्रा तो समंदर की ओर है, चाहे दिशा कोई भी हो, कभी नर्मदा बन करके पूरब की ओर बहे, पश्चिम की ओर बहे, या गंगा बन करके पूरब की ओर बहे, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर बहे, या कहीं कहीं वो उत्तर वाहिनी हो जाए, जिसका बड़ा महत्व है। तो दिशा चाहे कोई भी हो, लेकिन इन नदियों की जो गति है वो स्वाभाविक रूप से समंदर की ओर ही है। अब उसमें, उस प्रवाह में, उस गति में बाधा ना आवे। आजकल तो बांध बांधते हैं लोग, बांध बांधते हैं अपने स्वार्थ के लिए, खेतों को सींचते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो भाई संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, तो बांध तो बांधेंगे, तुम्हारी जो स्वाभाविक की गति है ईश्वर की ओर, पर संसार ही माया है, तो वहां आपकी गति को अवरुद्ध करने का एक प्रयास होता है, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ है। लेकिन चलो उस तरह से ही सही, लेकिन फिर बांध से और फ्लो होती है। किस नदी पर बांध बांधे जाते हैं? जहां पानी ज्यादा है, बांध से कौन सी नदी रुकती नहीं? जिसमें पानी ज्यादा है। किसमें पानी ज्यादा है? जिसके मूल सजल है। सजल मूल जिन सरितन नाही, ओ बरस गए पुनि बारी सुखाही। तुलसीदास जी कहते हैं जिन नदियों का मूल सजल नहीं है, वे ज्यादा से ज्यादा वर्षा में तो बहती हुई मिलेगी, लेकिन फिर सूख जाती है। हमारे मूल सजल हों, सही हों। अब हिमालय से निकलने वाली गंगा या अन्य नदियां आप ब्रह्मपुत्र को देखिए। गुवाहाटी में जब जब जाता हूं कथा के लिए, तो बहती हुई ब्रह्मपुत्रा को देखकर लगता है कि आप पूरा दरिया बह रहा, बड़े बड़े जहाज उसमें तैरते हैं। क्या गहराई और क्या अगाध जल राशि। क्यों? क्योंकि मूल सजल है। तो जहां वो सजलता है, जिसके पास कुछ है, वो जो भी हो उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज के लोग आगे आ जाते हैं। चाहे आपके पास संपत्ति है तो, चाहे आपके पास सत्ता है तो, चाहे आपके पास विद्वता है तो,